हवाई साबित हो रहे हैं, जिसका ताज़ा उदाहरण सिंगरामऊ थाना क्षेत्र के कॉम्पोजिट विद्यालय का है, जो पूरी तरह से विद्यालय बरसात के चलते तालाब में तब्दील हो चुका है, जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदेश सरकार द्वारा लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी विद्यालयों की दशा सुधरने का नाम नहीं ले रही। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि बच्चे जहां पानी में चलकर विद्यालय आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अध्यापक जान जोखिम में डालकर छत के सहारे पेड़ से उतरकर विद्यालय में आ रहे हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि अध्यापक किस प्रकार छत पर चढ़कर पेड़ के सहारे उतरकर विद्यालय में आ रहे हैं, जबकि प्रदेश के मुखिया लगातार विद्यालय की दशा सुधारने का दावा करते नहीं थकते, लेकिन धरातल पर क्या हाल है आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये जौनपुर की आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि प्रशासन के दावों की सच्चाई किस तरह से यहाँ पर सामने आ रही है। साफ तौर पर आप देख पा रहे हैं कि पूरे तालाब में डूबते हुए यहाँ लोगों को आवाजाही करनी पड़ रही है, और खबरें जिस तरह से सामने आ रही हैं कि टीचर को पेड़ के सहारे विद्यालय तक पहुँचना पड़ रहा है। ऐसे में नगर निगम के साथ ही साथ प्रशासन के लिए भी ये शर्मनाक तस्वीर सामने आ रही है कि लगातार इतने दिनों से पानी भरा होने के बावजूद भी ना तो अब तक यहाँ से पानी निकालने का कोई प्रबंध किया गया है, और ना ही बच्चों की जान की सुरक्षा को लेकर कोई कदम उठाए गए हैं। यूपी के गोरखपुर में प्रॉपर्टी